What's up guys, this is Ayaz Kixter, welcome to another video. Guys, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ guys side swipe. Guys, side swipe जो होता है वो basically एक tricking का move होता है और मुझे बहुत लोगों ने request किया था कि भाई side swipe का tutorial डालो, तो मैं guys side swipe के tutorial के साथ हाजिर हूँ. Let's get started, let's learn the side swipe. Guys, आइए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना side swipe का tutorial. Guys, basically side swipe के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए. पहली है guys 540 kick और दूसरा है rise. गाइज, मेरा इन दोनों मूव पे ट्यूटोरियल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन दोनों मूव्स की, और आई बटन पे भी पॉपअप हुआ होगा, वहाँ से भी चेक करके देख सकते हैं. तो गाइज, अब हम लोग के स्टेप्स क्या हैं साइड स्वाइप के लिए. गाइज, जैसा कि मैंने राइज के ट्यूटोरियल में बताया था कि हम लोगों को नॉर्मली टॉर्नेडो किक की तरह वाइंड अप करना है और हम लोगों को अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लीन कर देना है. गाइज, जो हमारा सेटअप होता है साइड स्वाइप का वो बिल्कुल सेम होता है राइज से, लेकिन इसमें हम लोगों को मारनी 540 किक होती है, क्योंकि हम लोग राइज में टॉर्नेडो किक मारते हैं लेकिन हमारी बॉडी जो है वो पीछे बहुत ज़्यादा लीन रहती है. और साइड स्वाइप में डिफरेंस क्या है कि हम लोगों को मारना राइज की तरीके ही है, लेकिन हम लोगों को उसमें 540 किक मारनी है, यानी अपने किकिंग लेग से मारना है, किकिंग लेग पे ही लैंड करना है. तो गाइज, इसके लिए आपको 540 किक जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए. अब स्टेप्स क्या थे हम लोगों के, ये हमारा वाइंड अप का स्टेप था कि हम लोग आएंगे और हमारा वाइंड अप जो है वो नीचे की तरफ होगा. हम लोग जैसे नॉर्मली हर किक में साइड में वाइंड अप करते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों का जो वाइंड अप है वो नीचे की तरफ होगा, कुछ इस तरह से. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. अब गाइस, हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें हम लोगों को अपने चेस्ट को घुमा देना है, निकाल के पहले हम लोगों का ये स्टेप, ये चेस्ट निकला और घुमा देना. यही स्टेप जो थे वो मैंने गाइस राइज के ट्यूटोरियल में बताए थे, क्योंकि हम लोगों को उसमें अपना चेस्ट निकालना होता है. साइड स्वाइप में भी हम लोगों को अपना चेस्ट निकालना है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से आने के बाद हम लोगों को 540 किक मारनी है. गाइज, साइड स्वाइप की एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है, क्योंकि एक ट्रिकिंग का मूव है, तो हम लोगों को गाइज उसमें अपने टारगेट को नहीं देखना है. जैसे कि गाइज, हम लोग 540 किक में क्या करते हैं, हम लोग माइंड अप करते हैं, अपने टारगेट को देख लेते हैं तब किक मारते हैं, लेकिन हम लोगों को साइड स्वाइप में ये नहीं करना है. जैसा कि गाइज अभी मैंने बताया था कि हम लोगों को यहाँ से अपने चेस्ट को निकालना है और हम लोगों को सर को घुमा देना है और हम लोगों को ज़मीन को स्पॉट करना है. इसकी टेक्निक गाइज क्या होती है कि ये हमारा वाइंड अप था, ये हम लोग आए, अब यहाँ से हम लोगों को गाइज अपने शोल्डर से इस तरफ देखना है और ज़मीन को स्पॉट करना है. हम लोगों को अपनी किक को नहीं देखना है, अगर किक देखेंगे तो साइड स्वाइप नहीं कहलाएगा. ये हमारा वाइंड अप, ये हम लोगों ने ज़मीन को देखा. जितनी ज़्यादा तेज़ आप ज़मीन को देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो साइड स्वाइप में अच्छे से निकलेगी. सो गाइज, एक और बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है गाइज, क्योंकि साइड स्वाइप जो है वो मारना डिफिकल्ट नहीं है, उसकी जो लैंडिंग है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. हम लोग अपने साइड स्वाइप को लैंड कैसे करें, तो उसमें गाइज सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है, मैंने देखा है अगर कोई साइड स्वाइप मारता है तो लैंडिंग में अपने पैर को मोड़ लेता है, और अगर आपने अपना साइड स्वाइप में पैर मोड़ा तो आपकी लैंडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपका पैर मुड़ जाएगा तो जो भी आप फोर्स से आए थे वो सारी फोर्स ज़मीन में चली जाएगी और आपका पैर मुड़ के आप गिर सकते हैं. तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि हम लोगों के अपने पैर को स्ट्रेट रखना है और हम लोगों को लैंडिंग जो है वो टोस पे करनी है. एक बार मैं एक 540 वाली ड्रिल से आपको समझाता हूँ. गाइस, जैसे कि हमारा पैर है, ये हम लोगों ने किक करी, अगर स्ट्रेट रखेंगे एकदम पैर तो लैंडिंग अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने पैर मोड़ा तो आपकी लैंडिंग ऐसी होगी, पैर मोड़ा लैंडिंग ख़राब हुई, पैर स्ट्रेट रहा टोस पे लैंडिंग हुई, तो बहुत ज़्यादा आपकी लैंडिंग देखने में अच्छी लगेगी. गाइज, अब ट्यूटोरियल का लास्ट पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग गाइज साइड स्वाइप के दौरान करते हैं. गाइज, मिस्टेक्स क्या होती हैं, लोग अपने हाथ को अच्छे से वाइंड अप नहीं करते हैं. हाथ गाइज जितना खोल के वाइंड अप करेंगे उतना ज़्यादा आपको मोमेंटम मिलेगा और उतना ज़्यादा आप इजीली अपने साइड स्वाइप को मार लेंगे. टिप नंबर टू गाइज, जब भी आप वाइंड अप करते हैं तो वाइंड अप करने के बाद आप अपने हाथों को बंद कर लीजिए, जैसे ही आप साइड स्वाइप के लिए टेक ऑफ करने वाले होते हैं. क्योंकि गाइज क्या होता है, जब हम लोग मोमेंटम लेके अपनी बॉडी को हवा में एकदम स्लीक बना लेते हैं, पतला बना लेते हैं, तो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूमती है और हम लोग मोमेंटम का असली मज़ा उठा पाते हैं. तो हम लोगों को वाइंड अप करना है और अपने हाथों को बंद कर लेना है. इससे क्या होगा, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, साइड स्वाइप बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा पड़ेगा. गाइज, मिस्टेक नंबर टू गाइज, लोग क्या करते हैं साइड स्वाइप में, अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लीन बिल्कुल नहीं करते हैं. गाइज, वो साइड स्वाइप नहीं कहलाता है. अगर आप 540 किक मारो और हल्की सी आपकी पीछे बॉडी लीन है तो साइड स्वाइप नहीं कहलाएगा. साइड स्वाइप में आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल पैरेलल होती है ग्राउंड से, एकदम इस तरह की बॉडी रहती है और आपकी ये किक जाती है. तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है इसमें कि हम लोग अगर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लीन नहीं करेंगे, हवा में ग्राउंड के पैरेलल नहीं करेंगे, तो वो हमारा साइड स्वाइप जो है वो प्रॉपर साइड स्वाइप नहीं होगा, साइड स्वाइप नहीं कहलाएगा. गाइज, एक और मेन चीज़ गाइज, अगर आपकी साइड स्वाइप में हाइट नहीं होगी तो आप अपनी लैंडिंग नहीं कर पाएंगे. मतलब अगर आपको लैंडिंग करनी है तो आपके साइड स्वाइप में हाइट होनी चाहिए,
तो उसका रीज़न ये है, मतलब आपको करना क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साइड स्वाइप में हाइट लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अगर हाइट लेनी तो बॉडी को लीन नहीं करना है, हाइट भी लेनी है, बॉडी को पीछे झुकाना भी है और लैंडिंग भी करनी है। तो मेन चीज़ यही है कि हमारा वाइंड अप हुआ, यहाँ से हम लोग हाइट भी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उछलेंगे और अपने बॉडी को पीछे लीन करेंगे, पैरेलल करेंगे ग्राउंड से। गाइस अब लास्ट चीज़ कि हम लोगों को अपनी लैंडिंग जो है वो हमेशा टोस पे करनी है। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अपने पैर को अगर हम लोग सीधा रखेंगे तो हम लोग जो लैंडिंग है वो काफ़ी ईजिली कर पाएंगे, यानी कि हम लोगों को अपनी जो लैंडिंग है वो टोस पे करनी है और पैर को एकदम सीधा सीधा रखना है। इससे क्या होगा कि हमारी लैंडिंग जो है वो देखने में अच्छी लगेगी और हम लोग बहुत ही ज़्यादा ईजिली साइड स्वाइप मार पाएंगे। और एक बार मैं आपको साइड स्वाइप जो है मार के भी दिखा देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इस साइड स्वाइप का ट्यूटोरियल था, मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई साइड स्वाइप का ट्यूटोरियल डालो, तो मैंने डाल दिया और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। और गाइज पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। और जाने से पहले मैं आपको अपने मास्टर से मिलाना चाहता हूँ एक बार फिर, जैसा कि एक वीडियो पहले भी मिला चुका हूँ, एक बार और मिलाना चाहता था। और वीडियोग्राफी बाय मी, और मेरे भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं कॉमेडी एक्टिंग वाइज डालता रहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और भाई को सपोर्ट करते रहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा सिखाता भी है और सीखता भी है, इसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप क्या बोलते हैं, पीस आउट। पीस।